नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा महिला मेट के बारे में एक बहुत बड़ी खबर को लेकर। दोस्तों, सरकार का नया आदेश जारी हो चुका है, हर महीने इस तारीख को मनाया जाएगा मनरेगा महिला मेट दिवस। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक मनरेगा महिला मेट की बात की जाए तो कहीं भी मनरेगा महिला मेट को मानदेय नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो मनरेगा महिला मेट की नियुक्ति भी नहीं की जा रही है। महिला मेट दिवस के बारे में अगर बताऊं तो मनरेगा एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सम्मिलित रूप से आयोजित किए जाएंगे मनरेगा महिला मेट दिवस। दोस्तों, प्रत्येक माह के प्रत्येक सातवें दिन, जैसे कि सितंबर माह के 7 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर सभी महिला मेटों के साथ मासिक महिला मेट दिवस मनाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ अवकाश या गैर कार्य दिवस के मामले में तो मनरेगा महिला मेट दिवस अगले दिन रखा जाएगा, यानी कि जिस दिन, यानी कि हर महीने के 7 तारीख को अगर मनरेगा महिला मेट दिवस मनाया जाएगा, अगर उस दिन कोई सरकारी छुट्टी है तो अगले दिन यानी कि 8 तारीख में मनरेगा महिला मेट दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो कार्यक्रम में कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी भाग लेंगे, जैसे कि कार्यक्रम अधिकारी BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नंबर 2 APO, नंबर 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, नंबर 4 BDO PO द्वारा नामित 2 या 3, नंबर 4 UPSRLM ब्लॉक मिशन मैनेजर और तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट, ये सभी लोग मनरेगा महिला मेट दिवस में भाग लेंगे। अगर मैं बताऊं तो DC मनरेगा एवं DC NRLM महिला मेटों की समस्याओं सुझावों को समझने के लिए ब्लॉक स्तर पर भ्रमण भी करेंगे, यानी कि आने वाले समय में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मनरेगा महिला मेट दिवस मनाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ महिला मेट दिवस को लेकर तो इस पर विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सुझाव भी दिया गया है, इस चीज़ को आप लोग सुन लीजिए क्योंकि आने वाले समय में आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अगर मैं बताऊं तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये है कि वेबसाइट जो भी UP इम्पैक्ट एप्लीकेशन है, तकनीकी पटल का उपयोग करके चयनित प्रशिक्षित महिला मेट की संख्या और नरेगा कार्यों में उनकी तैनाती की समीक्षा करना, यानी इसके बावजूद भी आपसे चर्चा की जा सकती है। नंबर 2, महिला मेटों द्वारा अपने स्वयं का एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का होना ज़रूरी है और उनके द्वारा UP इम्पैक्ट एप्लीकेशन के उपयोग की जाँच करना भी ज़रूरी है। महिला मेट के पास अपना स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। महिला मेट की भूमिका को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। UPSRLM द्वारा संबंधित SHG स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला मेट को आसान नियमों और शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करके इसे सुविधाजनक बनाना। महिला मेट द्वारा NMMS नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन का उपयोग करवाना। महिला मेटों के शिकायतों को समझना और उनका समाधान करना। महिला मेट प्रशिक्षण की आवश्यकताओं जैसे नापी प्रणाली, स्वयं की उपस्थिति का अंकन, श्रम एवं रोजगार रजिस्टर आदि को अपलोड करना आदि को समझ और उक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। आखिरी है दोस्तों, मनरेगा और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य कन्वर्जेंस अभिसरण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना। ये सभी पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रखे जाएंगे, यानी कि मनरेगा एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ सम्मिलित रूप से आयोजित महिला मेट दिवस को काफ़ी अच्छे से मनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पर, वहाँ पे संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तो आपको इन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कहीं पर भी मनरेगा महिला मेट के मानदेय नहीं दिए जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार को पहले मानदेय पर फोकस करना चाहिए या मनरेगा मेट को नियुक्ति देना चाहिए। कभी भी 20 कम से कम मजदूर होने की प्रतिबंध को हटा देना चाहिए क्योंकि कई जगहों पर सिर्फ 18-19 मजदूर हैं, तो क्या वहाँ पर मनरेगा महिला मेट की नियुक्ति नहीं होगी? आप कमेंट कीजिए और आप अपने ब्लॉक स्तर पर एक आवेदन पत्र भी जमा कराइए इस जानकारी को लेकर। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।